मेरे को ऐसा लग रहा है आस पास है कहीं पर, यहाँ पर बंद कर दो। अरे इधर ही रहता टाइगर, वो डियर घूम रहे हैं। तो आगे आगे देखिए, सामने देखो डियर से। सब प्यारा भागा था यार, जंप मार गए हैं, बहुत प्यारी जंप मारे उसने। ये बेटा है, ऊपर में बैठा है। लास्ट इवनिंग सफारी में युवराज हमें बस कुछ ही सेकंड्स के लिए दिखा, और रात में ग्रासलैंड के एरिया से एक टाइगर के रोर की आवाज आ रही थी, तो शायद मीरा या युवराज में से कोई टाइगर ग्रासलैंड में आ गया था। ये कमाल की चीज हुई थी, क्योंकि मॉर्निंग सफारी में अब ग्रासलैंड के अंदर टाइगर देखने के चांसेस बहुत बढ़ गए थे। मॉर्निंग में हम FRH के साइड वॉल से ग्रासलैंड के अंदर आ रहे एक डियर के हर्ट के वीडियोस बना रहे थे। तभी सडनली ग्रासलैंड के अपोजिट साइड से एक स्पॉटेड डियर की कॉल आती है, एंड हम बिना देरी किए उस कॉल के डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। आसपास है कहीं पर, यहाँ पर बंद कर दो। अरे इधर ही रहता टाइगर, ये यहाँ से लेके वाटर बॉडी के आगे तक थोड़ा सा। डियर घूम रहे हैं यहाँ, तो आगे आगे देखिए, सामने देखो डियर से। देखो अलर्ट तो है, वो उधर कुछ देख रही है। नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे वो देखो अलर्ट है, कुछ नहीं है। कॉल की लोकेशन पर पहुंचने पर हमें सभी डियर्स नॉर्मल दिख रहे थे, बट स्टिल हम इस लोकेशन पे 10 मिनट वेट करने का डिसाइड करते हैं। शो टाइम है, शो टाइम। क्या प्यारा सा फ्रेमिंग हो, बेहतरीन वाली। अगर सामने अभी आ रहा है ना, ऐसा फोटो आ जाएगा 70-200 मीटर का, खतरनाक खेल। देखो ट्रैक भी इतना प्यारा दिख रहा है, सनलाइट भी आ रही है, पेड़ भी हैं। सब प्यारा भागा था यार, जंप मार गए हैं, बहुत प्यारी जंप मारे उसने। 10 मिनट होने के बाद हम पूरा ग्रासलैंड एक बार अच्छे से चेक करने के लिए निकलते हैं। यहाँ पे का पीछे एक बड़ा मेल भी रहता है, बड़े पत्थर की तरफ में एरिया है, बड़े पत्थर का नाम उधर। वो भी शायद वो लेपर्ड, इधर ही लेपर्ड की टेरिटरी भी है ये वाली। बर्डिंग करना हो तो बर्डिंग के लिए बैठ जाएंगे, मत पीछे क्या अपन मीटिंग। ग्रासलैंड को पूरी तरह से चेक करने पर भी हमें टाइगर का कोई भी साइन नहीं मिलता है, तो हम सभी लोग आज मॉर्निंग में बर्डिंग करने का डिसाइड करते हैं। और गाइस आप ये जगह देख सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल है ये, इसे बाल गंगा बोलते हैं। यहाँ पे खेवनी की जगह, यहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारे रेयर बर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे मोल्टेड आउल भी है, मोल्टेड आउल भाई। क्यूनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी 155 प्लस बर्ड स्पीसीज हैं, एंड बर्डिंग के लिए FRH के जस्ट पीछे बालगंगा से लगा हुआ चिरैया पथ है, जिस पर आप ऑन फुट बर्डिंग कर सकते हैं। एंड ये बर्ड ट्रेल ग्रासलैंड के इतना पास है कि अगर ग्रासलैंड में कोई कॉल चलती है तो आप 5 मिनट के अंदर अपने सफारी व्हीकल से ग्रासलैंड में पहुंच सकते हैं। पर किंगफिशर देखो कितनी प्यारी बैठी हुई है। बर्डिंग के लिए तो अपन पैदल आओ, यहाँ पे क्या कोई दिक्कत नहीं रहेगी क्या? बैठे रहो यहाँ पे, बढ़िया सेव परमल ले गए। क्यों अभी चलते सेवर में लेके आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। ये देखो ये तुमको पैराडाइज फ्लाई का दिखाऊंगा मैं, अपना MP का स्टेट बर्ड। ये फ्लाइंग के शॉट देगी, अरे वो तुमको फ्लाइंग के शॉट देगी, उस पर कैमरा जमा कर रखो क्या? इधर बैठ जाना, इधर पैराडाइज फ्लाई कचर वगैरह अपने को सब बर्डिंग इधर कर लेंगे अपन। आके देखो इधर एक से एक बर्ड आती है इधर पे, बस हाँ बर्ड के लिए बहुत फेमस है ये एरिया। बर्ड के लिए खिवनी बहुत प्यारा है। देखो तुम्हारा वो बेटा छोटू, उधर सामने देखो छोटू बेटा, किंग फिशर दिख रहा है, कॉमन किंग फिशर। लोगों ने उसका नाम रख दिया कॉमन किंग फिशर, इसका नाम रखना था। दिखती यही सबसे ज्यादा, मेरे घर के सामने तार पे बैठी रहती है, पता है। इस बर्ड ट्रेल पर आपको मॉटेड वुड आउल, फिश आउल, पैराडाइज फ्लाई कैचर, सरपेंट ईगल, पिट्टा, चेंजेबल हॉक ईगल, कॉमन किंगफिशर, वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर और भी कई रेयर बर्ड्स मिल जाएंगी। बर्डिंग के अलावा इस ट्रेल पर पैदल चलते वक्त आपको डियर्स दिख जाएंगे,
एंड कई बार लोगों ने इस ट्रेल के ऊपर लेपर्ड को भी देखा है। तो अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो आपको लेपर्ड और हनी बैजर्स दिख सकते हैं। इवनिंग सफारी में हम अपने पहले 2 घंटे डेंस जंगल में बिताने वाले थे एंड अगर इन 2 घंटों के अंदर हमें लेपर्ड या टाइगर का कोई भी साइन नहीं मिलता है तो हम डेंस जंगल को छोड़कर बाकी की अपनी पूरी सफारी ग्रासलैंड में बिताएंगे। ये सीधा 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 इधर की भी एक वाटर बॉडी है, वहाँ पर भी आ सकती है वाटर बॉडी चेक करने, इसलिए मैं इधर निकला हूँ। बहुत दूर तक आती हूँ फीमेल बच्चों के साथ। ये रिद्धि जैसी बता दो नहीं भाई, जो उन तीन चार खेलते रहती है। ये एरिया रणथंभौर जैसा लगता ना निवेद, बस ये है कि पेड़ों का अंतर है। देख पेड़ों का तो फिर हर टेरिटरी में है ना डिफरेंस यार। वहाँ पे डॉग के पेड़ है, यहाँ ये वाला ये वो है उधर है। हाँ। ये वो है तुम्हारे सागवान जिससे वो फर्नीचर वगैरह बनते ना, वो है सागवान। प्रभु दिख जा कुछ तो लेपर्ड ही आ जाए सामने से। लेपर्ड की टेरिटरी भी यही है, ये वाली लेपर्ड की टेरिटरी है। अच्छा हाँ, यहाँ पर लेपर्ड देखा था मैंने एक बार। पेड़ पे नहीं चढ़ते यहाँ पे लेपर्ड यार, पता नहीं क्यों अपने आप में मैंने देखा है। एमपी में भी रणथंभौर में चढ़ते हैं पेड़ पे, अभी तो इधर नहीं चढ़ते साले। एमपी में मैंने देखा एक भी जगह पे पेड़ पे नहीं चढ़ा हुआ देखा। भाई बाकी में लकड़दा लग रहा है एरिया में पूरा। क्यों निवेद लकड़दा लग रहा है? लकड़दा अरे ये बर्डिंग पॉइंट है तो सही, पर ये टाइगर टेरिटरी है पूरी। अब ये बड़े पत्थर वाला एरिया आ गया, इसको बोलते बड़ा पत्थर। राइट में लेना जरा, अब एक जगह आएगी वहाँ पे बैठते दो दो तीन तीन टाइगर रहते हैं वहाँ पे एक साथ साले। वो बस अभी थोड़ी गर्मी और बढ़ेगी ना तो वो वहाँ पे नीचे पानी भरा हुआ है, वो वहाँ पे बैठे हुए दिखते हैं बहुत प्यार से। हाँ थोड़ी ठंडक थी ना मौसम में तो यार इसलिए उसने मूवमेंट नहीं करा जाता है। परमिशन नहीं यहाँ तो परमिशन नेवले। अरे मंगूस दिख गए बड़ी अम्मा, दो दो जोड़े में बुला ना वीडियो। अरे मिलेगा टाइगर, वो आ रहे बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे नहीं वेद उधर। वो नहीं वेद बाहर आ गया, वो जा रहे हैं, वो चले गए नवलिया, वो जा रहे कड़ाड़ा में। कौन नवलिया? हाँ नवलिया तो उधर मैं चले गए उधर। रास्ते में हमें ये मंगूस का पेयर मिल जाता है एंड वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी में ये मिथ है कि अगर मंगूस आपको सफारी के टाइम पे दिख रहा है तो डेफिनेटली आपको उस सफारी में टाइगर दिखेगा। सो इस सफारी में मंगूस तो दिख गया था, अब देखना बाकी था कि इस सफारी में हमें टाइगर मिलता है या नहीं। नहीं देखो टाइगर ऐसा है कि एक नहीं है, जो अपन उधर देख रहे थे ना। अरे हाँ हाँ वो मेरे को पता है, अभी अपन उधर देख के ना चांसेस अभी भी इधर भी है ठीक है। इधर अलग टाइगर है, इधर 2-4 टाइगर अलग अलग है बड़े बड़े। ये पानी का बोल रहा था, अरे पानी पे आया हुआ यार साहब। ये काम करेंगे एक मीडोस का एक राउंड और मार लेंगे हल्का सा। क्या कॉल नहीं चली आज? एक चीज पूरे सबसे नोटिस करो, एक कॉल नहीं है। हाँ एक कॉल नहीं आई है, मूवमेंट नहीं है। मेरे को लग रहा रात में मूवमेंट करेंगे यार निवेद। क्या अरे कल तो कॉल ही नहीं चली यार निवेद। यार कल तो सामने से चलता हुआ ही आ रहा था ना खुद ही, वो क्या कॉल चलाएगा। डेंस फॉरेस्ट को अच्छे से चेक करने के बाद भी हमें कोई भी पग मार्क्स नहीं मिलते हैं तो हम वापस ग्रासलैंड के एरिया में आ जाते हैं एंड ग्रासलैंड में आते ही हमें ओपन ग्राउंड में एक टाइगर सोता हुआ दिख जाता है। ये बेटा है ओपन में बैठा है मतलब वॉच टावर के पास। क्या वॉच टावर के पास और अच्छा दिख जाए हेड ऑन आएगा वॉच टावर का है। अरे ये बैठा हुआ मेरी ये जो लाल लाल बत्ती है उस पर। बढ़िया बैठा है यार टाइगर तो, यार प्यारा बैठा है, बहुत सेक्सी बैठा है। उठेगा ही नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, क्या ये नहीं उठेगा, ये नहीं उठेगा, ये नहीं उठेगा। ये वही लग रहा था कि जब गाड़ी निकलती ना, ये जब निकलता है मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब गाड़ी निकलेगी ना तब ये खसकेगा। तो बेटे कहीं से इसकी आदत है भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ राहुल भी और हम ऐसे ही देख रहे थे 3-4 दिन से दिखते हैं। अब गर्मी में टाइगर गर्मी बहुत दिखता है टाइगर। पीछे देख सनसेट की फ्रेम और टाइगर बैठा हुआ है। उसके पास जाने पर हमें पता चलता है कि ये मेल टाइगर युवराज था। तो मंगूस से रिलेटेड जो मिथ है वो एटलीस्ट आज तो सही हुआ।
हम युवराज को शूट ही कर रहे थे तभी सडनली लेफ्ट साइड के डेंस फॉरेस्ट से पत्तियों की आवाज होती है एंड जैसे ही हम उस तरफ मुड़ते हैं तो हमें दिखता है कि एक रेड स्नेक इन पत्तियों के बीच से जा रहा है और इन पत्तियों की आवाज से युवराज भी अलर्ट हो गया था। उसे शायद लगा कि ये पत्तियों की आवाज किसी डियर की वजह से हो रही है, तो वो धीरे धीरे स्टॉप करके उस आवाज की तरफ बढ़ा। एंड उसके सरप्राइज के लिए जैसे ही वो स्नेक को देखता है वो शॉक हो जाता है और ये रिएक्शन बहुत ही कमाल का था। इसी तरह से हमारी इवनिंग सफारी का टाइम एंड हो जाता है एंड हम वापस एफआरएच आ जाते हैं और अपनी पैकिंग कंप्लीट करने के बाद क्योनी के इस ट्रिप को अलविदा कह देते हैं। हमेशा की तरह क्योनी ने मुझे इस बार भी डिसअपॉइंट नहीं किया। अगर आपको भी इस तरह की जंगल सफारी करनी है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।